नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। जी हाँ, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही गुजरात के मंच सज चुके हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने बोली बोलना शुरू कर दिया है और तमाम तरह से नेता अब एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ, महिला कार्ड हो, गरीब कार्ड हो, अस्पतालों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो राजनीतिक पार्टियाँ नहीं छोड़ रही हों। हालाँकि गुजरात चुनाव से पहले दो पार्टियों में बड़ी टक्कर देखने को मिली है। एक है आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टी है BJP। तो गुजरात में आखिरकार सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, ये अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान, BJP की कोर कमेटी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, नेताओं के लिस्ट का नाम फाइनल होने लगा है, लेकिन हार्दिक पटेल का नाम कहीं भी नहीं है। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, दिग्गज नेता, पटेल समुदायों का अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास है, लेकिन BJP में जाकर क्या गुम हो गए, BJP में जाकर वहाँ खो गए हैं, क्योंकि उनके नाम की चर्चा नहीं हो रही है। BJP में जाने के बाद पछता रहे हार्दिक पटेल को लेकर खबर यह है कि शायद अगर BJP में बड़ी जगह नहीं मिलती है तो वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। और कांग्रेस को इस वक्त युवा नेताओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास युवा नेता हैं ही नहीं। तो अगर कांग्रेस पार्टी में वापसी हार्दिक पटेल की होती है तो कितना बड़ा फ़ायदा फर्क पड़ता नज़र आएगा। देखिए, गुजरात में OBC वोट बैंक है, पटेल वोट बैंक है, इसके अलावा मुसलमान वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, ऐसे 4 से 5 वोट बैंक है जिनका सबसे ज़्यादा असर गुजरात पे पड़ता नज़र आ रहा है। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर हार्दिक पटेल जैसे नेताओं की बड़ी भागीदारी गुजरात में होती है, गुजरात में अगर एंट्री गुजरात के चुनावी मैदान में एंट्री करते हैं, कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हैं, तो शायद बहुत बड़े हद तक सियासी समीकरण को हार्दिक पटेल बदल सकते हैं। हार्दिक पटेल अगर सियासी समीकरण को बदलते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष में अभी इतनी बड़ी पोजिशन में है, क्या सत्ता हासिल कर पाएगी? तमाम खबरों के लिए बने रहिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।